नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले BPH वर्सेस OVI के बीच होने वाले मैच के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में, दो पिच रिपोर्ट के बारे में, दोनों टीमों की प्रोबेबिलिटी किस तरह से रहेगी उसके बारे में। उसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ, मैं आपको स्टैट्स दिखाने वाला हूँ प्लेयरों के स्टैट्स, जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप हो। आपको जरूर मदद मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी अपनी एक खुद की विनिंग टीम बनाने में। आखिर में ऑफकोर्स मैं आपको ड्रीम इलेवन की तीन विनिंग टीम्स भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डिटेल से। सीरीज का नाम है द 100 मैन 2021। इस सीरीज का ये 18th मैच है दोस्तों, यानी 18वां मैच है। वही अगर मैच किसके बीच है उसकी बात कर लेते हैं तो BPH वर्सेस OVI के बीच ये मैच है, यानी बर्मिंगम फोनिक्स वर्सेस ओवल इनविजिबल के बीच ये मैच होने वाला है। मैच कब और कहाँ कितने बजे है, तो ये मैच 4th ऑफ अगस्त यानी आज के दिन रात को 11 बजे खेले जाने वाला है। वेन्यू की अगर बात कर लेते हैं तो वेन्यू है एस्बेस्टन। अगर आप ये मैच लाइव देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं, फैन कोड पर आप ये मैच लाइव देख सकते हैं। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे हमेशा बैटिंग को साथ देता है और ऐसा लग रहा है कि इस बार भी बैटिंग फ्रेंडली ही पिच होने वाला है। हालांकि जब हाफ मैच खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे शायद फास्टर को यहाँ पे मदद मिल सकती है, थोड़ी स्विंग मिल सकती है और साथ ही साथ स्पिनर को भी मिडल्स ओवर्स में यहाँ पे स्पिनर भी अपना काम कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से रह सकता है पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबल इलेवन की, तो वो कुछ तरह से रहेगी अब देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बर्मिंगम फोनिक्स की प्रोबेबल इलेवन, तो वो कुछ इस तरह से रह सकती है। फिन एलन, विल समित, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, माइल्स हैमंड, क्रिस बेंजामिन, बी होवेल, एडम मिलने, टॉम हेल्म, पी ब्राउन और इमरान ताहिर। तो इस तरह से हो सकती है बर्मिंगम फोनिक्स की प्रोबेबल इलेवन, आप इसे प्रोटेक्टेड या प्लेइंग इलेवन भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवल इनविजिबल्स के प्रोबेबल इलेवन की, तो वो कुछ इस तरह से रह सकती है। जेसन रॉय, विल जैक, जे क्लार्क, कॉलिन इंग्राम, सैम बिलिंग्स, एल इवंस, सुनील नरीन, टॉम कुर्रन, तहजीब शमशी, आर टॉपली टोपले और सन एस मोहम्मद। तो इस तरह से हो सकती है ओवल इनविजिबल की प्रोबेबल इलेवन, या फिर आप इसे प्रेडिक्टेड इलेवन या फिर प्लेइंग इलेवन भी कह सकते हैं। अब मैं कुछ प्लेयरों के स्टैट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी खुद की एक विनिंग टीम बना सकते हैं, चाहे वो ड्रीम इलेवन का ऐप हो या फिर कोई दूसरा ऐप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोइन अली। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली के बारे में आप सब जानते ही दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी काफ़ी बढ़िया कर लेते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं कि ही हैज स्मैश्ड 81 रन एंड गर्ब्ड 3 विकेट्स इन दिस टूर्नामेंट, यानी इन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 81 रन तो बना ही है, साथ ही साथ इनको 3 विकेटें भी मिली है, यानी काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर प्रदर्शन इनका रहा है, तो आप ज़रूर इनको पिक कर सकते हैं। अगले हॉट पिक्स की बात कर लेते तो दोस्तों ये है लियाम लिविंगस्टोन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, आप सबको पता ही है दोस्तों, और अब तक इस सीरीज़ में उनके बल्ले से काफ़ी अच्छे रन निकले दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 122 यानी 122 रन इनके बल्ले से अब तक निकल चुके, साथ ही साथ इनको 1 विकेट भी मिली है। ये काफ़ी बढ़िया पार्ट टाइम गेंदबाज है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में रहते हैं। वही अगर अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं जो हॉट पिक से हमारे अगले, वो है जेसन रॉय। दोस्तों जेसन रॉय शुरुआत में आते हैं, काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं, ओपनिंग में आते हैं और अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी करते हैं। अब तक इन्होंने इस सीरीज में भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी कर ली है और अब तक इनका प्रदर्शन देखा जाए तो पिछले कुछ मैचेस में ठीक नहीं था, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने थोड़ा प्रदर्शन अपना अच्छा किया है और उन्होंने अब तक टूर्नामेंट में 80 रन बना लिए दोस्तों, और ये भी हमारे अच्छे खासे हॉट पिक्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले हॉट पिक्स की,
तो वो है टॉम कुरन। जी हाँ दोस्तों, ही हैज मार्क्ड अप 63 रन एंड पिक्ड अप 5 विकेट। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेटर हॉट पिक्स तो यही है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अब तक अपने बल्ले से 63 रन तो बनाई है, साथ ही साथ इनकी बॉलिंग में ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा इनका, उन्होंने अब तक 5 विकेटें लिए इस टूर्नामेंट में, तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया है सभी जो हमने हॉट पिक्स दिखाए दोस्तों। आप चलते हैं ड्रीम इलेवन कैप पे और देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की 3 विनिंग टीम्स, जिससे कि आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग भी जीत सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम ड्रीम इलेवन के ऐप पे आ चुके हैं और हम जिस मैच के बारे में बात कर रहे हैं वो ये मैच है दोस्तों, बीपीएच वर्सेस ओवीआई के बीच। इस पर हमें क्लिक कर लेनी है दोस्तों। अगर आपने अब तक एक भी टीम नहीं बनाई तो आपको क्रिएट अ टीम पर क्लिक करनी है, और मैंने ऑलरेडी 3 टीम्स यहाँ पे बना के रखी है, तो मैं माय टीम पर जाकर एक एक टीम आपको एडिट करके दिखा दूंगा किस किस को मैंने लिया है, और ऑफकोर्स आप जरूर दिखाऊंगा कि किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, माय टीम पर क्लिक कर लेते हैं और पहली टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आ चुके हैं कीपिंग पर। तो कीपिंग में हमारे पास कुल मिला के 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से 2 ही प्लेइंग 11 में अब तक शामिल हुए, और वो है सैम बिलिंग्स और सी बेंजामिन। तो हम इस टीम में अभी फिलहाल एक ही कीपर के साथ जाने वाले हैं, वो है सैम बिलिंग्स। चलते हैं बैटिंग पर। तो बैटिंग में हमारे पास ऑफकोर्स जेसन रॉय तो रहने वाले हैं। जेसन रॉय काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों, और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एम हेमंड। जी हाँ दोस्तों, ये भी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अच्छे एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद है FLN। जी हाँ दोस्तों, ये भी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, और ज़रूर आप इनको भी अपने टीम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब चलते हैं ऑलराउंडर पर। तो ऑलराउंडर में ऑफकोर्स हमारे पास मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन तो रहने ही वाले हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्लेयर है दोनों के दोनों, और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है इनका हर बार। तीसरे जो हमने लिए है यहाँ पे, तो ये बी होवेल है दोस्तों, ये भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे कर सकते हैं, और अच्छे खासे हमें पॉइंट दे सकते हैं, इसीलिए हमने इन तीनों को इस टीम में शामिल किया है। अब चलते हैं गेंदबाजी पर। तो गेंदबाजी में हमने 4 ऑप्शन को यहाँ पे रखा है इस टीम में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एडम मिलने को हमने लिया है, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है दोस्तों, और अच्छी खासी विकटें इनको मिल रही है। उसके बाद टॉम कुरन के हमने स्टैट्स देखा है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, काफ़ी विकेट्स इनको मिल रहे हैं, तो इनको भी हम जरूर अपने टीम में शामिल करेंगे। उसके बाद टी हेल्म को रखा है दोस्तों, ये भी बढ़िया प्लेयर है और अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, और अच्छे खासे फॉर्म में। उसके बाद आखिर में जो है हमारे पास एस महमूद को हमने लिया है, पिछले कई दिनों से काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर इनको भी हम इस टीम में पिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कैप्टन बनाया मोइन अली। जी हाँ दोस्तों, मोइन अली को कैप्टन बनाया क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है, और आप देख सकते हैं 36% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया, तो आप भी इनके साथ ज़रूर जा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। वही अगर बात कर लेते हैं तो वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पे मैंने सैम बिलिंग्स को वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों, काफ़ी कम लोगों ने इन पर दाव लगाया, लेकिन अगर आप लगाते हैं और ये अच्छा प्रदर्शन करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, या तो आप ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं, या फिर ग्रैंड लीग में अच्छी खासी अर्निंग तो आपको ज़रूर हो सकती है। एक बार टीम प्रयोग जरूर करा दूंगा दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं आप, कीपिंग में हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है सैम बिलिंग्स। उसके बाद हमारे पास 3 बल्लेबाज है, जेसन रॉय, एम हेमंड, उसके बाद FLN। तो तीनों के तीनों बल्लेबाज काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं। 3 ऑलराउंडर के साथ इस टीम में हम जाने वाले हैं, मोइन अली है, बी होवेल है और लियाम लिविंगस्टोन है। तीनों काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, और अच्छे खासे पॉइंट अब तक दे चुके हैं। उसके बाद अब चलते ऑलराउंडर्स माफ कीजिएगा गेंदबाजी में। तो 4 गेंदबाजों का ऑप्शन इस टीम में मैंने रखा है दोस्तों, कुल मिला के काफ़ी बढ़िया टीम बन रही है। सब देख लेते हैं गेंदबाज, एडम मिलने को लिया है, टॉम कुरन को लिया है, टी हेल्म को लिया है, और एस महमूद को लिया है। तो कुल मिला के काफ़ी ज़बरदस्त टीम बनी है दोस्तों, मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग के लिए आप ज़रूर इस टीम को यूज कर सकते हैं, और इससे अच्छी खासी अर्निंग जरूर कर पाएंगे। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया मोइन अली को। जी हाँ दोस्तों, एक ऑलराउंडर होने की वजह से हमें डबल पॉइंट मिल जाएंगे, इनके बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हमें अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, और
जरूर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको कैप्टन बनाया। तो वही वाइस कैप्टन हमने बताया सैम विलियम्स को, एक कीपर होने की वजह से हमें ये भी डबल पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग में तो ये हमें पॉइंट दे ही सकते हैं, साथ ही साथ कीपिंग में कैचिंग रन आउट या स्टंपिंग में ही हमें एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे सकते हैं, इसलिए हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया। तो ठीक है दोस्तों, ये टीम हो चुकी है, तो इस टीम को क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और दूसरी टीम को एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो दूसरी टीम के कीपिंग में हम आ चुके हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक बार सैम विलियम को ही चूज़ किया है। अगली टीम में ज़रूर हम कुछ चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। चलते अभी बल्लेबाजी पर, तो बल्लेबाजी में यहाँ पे मैंने जेसन रॉय को लिया है, लेकिन इस बार मैंने एल एवंस को लिया है। तो आप भी इस तरह से टीम बना सकते हैं, एफ एलन को फिर से इस टीम में शामिल किया है, बाकी मैंने अभी किसी और को इस टीम में शामिल नहीं किया है। तीन ही बल्लेबाजों के साथ मैं जाने वाला हूँ, तो क्योंकि मेरे पास ऑलराउंडर में एक्स्ट्रा ऑप्शन में यहाँ पे लेने वालों, तो चलते ऑलराउंडर में। ऑफकोर्स हमारे पास लियाम लिविंगस्टोन तो रहने वाले, सैम कुरन इंग्लैंड के और भारत के बीच होने वाले टेस्ट में खेल रहे, तो यहाँ पे वो नहीं रहने वाले, इसी वजह से मैं इनको उस बारे में नहीं सोचने वाला। लियाम लिविंगस्टोन के बाद मेरे पास मोइन अली भी है, इस बार मैंने सुनील नारिंजिया दोस्तों वेस्ट इंडीज के जो अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, ये बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं और इन्हें ऊपर ऑर्डर में अगर भेजा जाए ओपनिंग के लिए तो अच्छे खासे रन भी बना सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्ट्राइक रेट से। तो इसको इनको इस टीम में मैंने शामिल किया। अब अगर चौथे जो है विल जैक को इस टीम में शामिल किया, ये भी अच्छे खासे प्लेयर है दोस्तों, अब तक इतना बढ़िया प्रदर्शन तो नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको इस टीम में शामिल किया। तो काफ़ी बढ़िया टीम बन चुकी है दोस्तों। चलते गेंदबाजी पर, तो इस बार फिर से टॉम कुरन को मैंने लिया है और एडम मिलने को, तो हमको हम दोनों को इस टीम में ज़रूर लिया, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार चेंज है दोस्तों, इमरान ताहिर को मैंने इस टीम में शामिल किया है, क्योंकि ये काफ़ी विकटें निकालते हैं, अगर विकटें मिलती है तो गुच्छे में विकटें निकालते हैं तो ज़रूर हमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इन तीनों को इस टीम में शामिल किया है। तो अब फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन हम किसे बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया लियाम लिविंगस्टोन जी दोस्तों, ये भी एक ऑलराउंडर के ऐसे अच्छे टीम में खेलते हैं और अच्छे खासे पॉइंट हमें दे सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे 20% से भी ज़्यादा लोगों ने इन पर भी दाव लगाया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, रिस्क कोई नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। वही अगर बात कर लेते तो वाइस कैप्टन की, तो जेसन रॉय को वाइस कैप्टन बनाया, करीब करीब 11% लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया, तो ये भी कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, और जेसन रॉय के बारे में हम सब जानते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर है दोस्तों और अच्छी खासी बैटिंग जरूर कर सकते हैं। चलते हैं टीम प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार। तो इस टीम में फिर से मैंने एक ही कीपर को शामिल किया, सैम विलियम्स। वही अगर बात कर लेते हैं बैटिंग की, तो यहाँ पे मैंने एक चेंज किया, एल एवंस को इस टीम में शामिल किया है, और जेसन रॉय तो हमारी टीम में है ही, उसके बाद एफ एलन को भी इस टीम में शामिल रखा है। तो अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हो गए दोस्तों, 4 ऑप्शन है हमारे पास ऑलराउंडर में। विल जैक को लिया है, सुनील नरीन को लिया है, लियाम लिविंगस्टोन को लिया है, मोइन अली को लिया है, तो 4 ऑलराउंडर है दोस्तों। और किसी भी टीम में अगर खास करके T20 और T10 की बात की जाए, तो जितने ज़्यादा ऑलराउंडर रहते हैं उतना ज़्यादा फायदा हो सकता है, इसीलिए मैंने इस बार 4 प्लेयरों को इस टीम में शामिल किया है। तो इस तरह से काफ़ी बढ़िया टीम बन रही है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास 3 गेंदबाज है, टॉम कुरन और एडम मिलने, तो हमने पिछले भी टीम में लिए थे और इस टीम में भी ज़रूर लेंगे, लेकिन इस टीम में फिर से एक बार चेंज है हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इमरान ताहिर को इस टीम में शामिल किया है, पिछले टीम में हमारे पास ये नहीं थे। तो कुल मिला के काफ़ी बढ़िया टीम है दोस्तों, ज़रूर आप ये टीम भी ग्रैंड लीग के लिए यूज कीजिए दोस्तों, मुझे लगता है कि बेटर रहेगी ग्रैंड लीग के लिए, और आप चाहे तो इसे ऐसा नहीं कि स्मॉल लीग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूर यूज कर सकते हैं। अब इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं। कैप्टन हमने लिविंगस्टोन को बनाया दोस्तों, वही वाइस कैप्टन जेसन रॉय को बनाया, दोनों के दोनों अच्छे खासे बल्लेबाज है दोस्तों, और अच्छे स्ट्राइक रेट और एवरेज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। वही अगर लिविंगस्टोन की बात कर लेते हो, तो एक गेंदबाजी भी अच्छी कर ले रहे, कुछ पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और विकटें भी इनको मिली जाती है, तो इसी वजह से इन दोनों को मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया। इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं और तीसरी और आखिरी टीम को एडिट करके दिखा देता हूँ। तो इस टीम में मैंने यहाँ पे 2 कीपर, जी हाँ दोस्तों, 2 कीपर को इस टीम में शामिल किया है, सैम विलियम्स को लिया है और सी बेंजामिन दोनों को इस टीम में शामिल किया है, क्योंकि अगर बेंजामिन भी अच्छा प्रदर्शन कर देते और हम इन्हें एक भी टीम में नहीं लेते तो हमें नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने इनको एक टीम में शामिल किया है, ताकि अगर ये अच्छा खेलते तो हमें ज़रूर फायदा हो।
तो अब चलते बैटिंग में। तो यहाँ पे बैटिंग में भी मैंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे चूज किया है वापस से, जेसन रॉय तो हमारे पास है दोस्तों। इस बार मैंने कॉलिंग इनग्राम को इस टीम में शामिल किया है, ये भी अच्छे खासे बल्लेबाज है दोस्तों, जरूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं। वही फिर से मैंने एम मोहम्मद को इस टीम माफ कीजिएगा हेमंड्स को इस टीम में शामिल किया है, तो जरूर आप इनके साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एल इवंस को हमने पिछले टीम में लिया था, तो इस टीम में मैंने उनके साथ नहीं जाने वाला। तो अब FLN को भी हमने इस टीम में वापस शामिल किया है दोस्तों, बाकी ज़्यादा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। आप ज़रूर डब्लू समित के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि हम उनको इस टीम में शामिल कर सकते हैं। चलते ऑलराउंडर पर, तो हमारे पास दो ही ऑलराउंडर के ऑप्शन है, क्योंकि हमने दो कीपर भी लिए और चार बल्लेबाज भी लिए, तो हमारे पास इसी वजह से दो ही ऑलराउंडर का ऑप्शन बचा है। तो वो दोनों ऑलराउंडर हमारे पास ऑफकोर्स मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन ही रहने वाले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेटर है दोस्तों। ऑलराउंडर में ऑप्शन देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन सबसे बढ़िया दो ऑप्शन यही है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी बढ़िया बैटिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को इस टीम में शामिल किया। चलते हैं गेंदबाजी पर, तो इस बार हमने एडम मिलने को लिया है, टॉम पुरन को तो लिया ही, लेकिन इस बार हमने आर टोपली को इस टीम में शामिल किया है। तो करीब करीब सारे ऑप्शन हमने तीनों टीमों में मिलके यूज कर लिए दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया टीमें बन भी गई है। तो आप ज़रूर इस टीमों पर भरोसा रख सकते हैं। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो इस टीम का कैप्टन मैंने बनाया है दोस्तों टॉम कुरन को। जी हाँ दोस्तों, टॉम कुरन को कैप्टन बनाया है, तो वही एडम मिलने को वाइस कैप्टन बनाया है। दोनों के दोनों अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, और अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर हमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8% से भी ज़्यादा लोगों ने इनको कैप्टन बनाया है टॉम कुरन को, और 7% से भी ज़्यादा लोगों ने एडम मिलने को वाइस कैप्टन बनाया, तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है दोस्तों। ऑफकोर्स अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों जैसे कि आप देख सकते हैं लिविंगस्टोन को 20% लोगों ने बनाया है कैप्टन, 36% मोइन अली को बनाया है, तो काफ़ी लोगों का इन पर ही ध्यान है दोस्तों, ज़्यादा करके ध्यान नहीं है एडम मिलने और टॉम कुरन पर। तो अगर ये अच्छा प्रदर्शन करते तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। एक बार टीम प्रीव्यू करा देता हूँ दोस्तों वापस से, तो यहाँ पे कीपिंग में हमारे पास इस टीम में दो ऑप्शन है, सैम बिलिंग को तो हमने इस टीम में रखा ही है, साथ ही साथ हमने सी बेंजामिन को भी इस टीम में शामिल किया है। वही अगर चार बल्लेबाजों को इस टीम में शामिल किया है वो इस तरह से है दोस्तों, कॉलिंग इनग्राम, जेसन रॉय, एम हेमंड और FLN को इन चारों को इस टीम में शामिल किया है। वही अगर ऑलराउंडर देख लेते तो दो बेस्ट ऑलराउंडर हमने चूज किए हैं मोइन अली और लिविंगस्टोन। वही अगर गेंदबाजी की बात कर ले तो आर टोपली को इस टीम में हमने शामिल किया, अब तक दोनों टीमों में हमने पिछले नहीं लिया था, और टॉम कुरन और एडम मिलने तो हमारे हर टीम में थे। वही अगर हमने यहाँ पे थोड़ा हटके सोचा है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, हमने टॉम कुरन को कैप्टन बनाया और एडम मिलने को वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि दोनों के दोनों अच्छे खासे गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छे खासे पॉइंट अब तक दिए उन्होंने, और अगले मैच में भी अगर इसी तरह इनका फॉर्म रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है, हम ज़रूर ग्रैंड लीग जीत सकते हैं या फिर हमें ग्रैंड लीग में अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, इसीलिए हमने इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों। तो दोस्तों अभी इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे मैं आपको एक चेंज जरूर करके दिखाऊंगा। अगर आप FLN को छोड़ देते हैं FLN को यहाँ पे अगर छोड़ देते तो हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है दोस्तों गेंदबाजी में। FLN को छोड़ने के बदले हमें डब्लू समित भी हम इस टीम में शामिल कर सकते हैं दोस्तों, ये भी अच्छे प्लेयर है। और दूसरा एक और ऑप्शन है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे दिखा देता हूँ, तहजीब शमशी। जी हाँ दोस्तों, ये भी अच्छे खासे फॉर्म में है, अफ्रीका के टीम में अभी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करके यहाँ पर आए हैं, तो ज़रूर आप इनको भी इस टीम में शामिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी फ़िलहाल FLN के साथ नहीं जाऊँगा, डब्लू समित के साथ जाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस टीम को कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और देख लेंगे किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने देख लिया दोस्तों, अभी इस टीम को सेव कर लेते और आखिर में यही कहूँगा, अगर इन तीनों
तीनों टीम आपको पसंद आई हो या फिर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।